और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर महाखेल 2019 की, जिसका समापन हो गया है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। विजेता प्रतिभागियों को, खिलाड़ियों को उन्होंने पुरस्कृत किया। मनोहरपुर स्थित होद की पाल स्टेडियम में ये आयोजन किया गया था केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है उनको यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से यहां पर जो बेटियां यहां पर कामयाब हुई हैं रेस में, उनको स्कूटी दी गई है, स्कूटी की चाबी सौंपते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खेल मंत्री है, खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं और जानते हैं बखूबी की कि किस तरह से यहां पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, खेल को आगे बढ़ाया जाए। और ये रशाकसी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आज रशाकसी की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो लोग विजेता रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। और उत्साह देखिए कितना खिलाड़ियों में है, युवाओं में है, क्योंकि एक बड़ी पहल की जा रही है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में। जयपुर महाखेल 2019 के जरिए इसका समापन समारोह जब हुआ तो भी वो वहां पर पहुंचे और न केवल लड़के बल्कि लड़कियों ने भी इस महाखेल 2019 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ऐसे में जीतने वाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये सेलफोन जो आप देख रहे हैं, स्मार्टफोन, ये रशाकसी में जो लोग जीते हैं उनको दिया जा रहा है। तो एक बड़ा आयोजन था ये, खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को फिट रखने के लिए। और पहले जो कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब उसको बदल दिया गया है कि कितना ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी के, उसको देखते हुए अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है खेलों पर, खिलाड़ियों पर। और जब से ही केंद्र में अहम जिम्मेदारी खेल विभाग की संभाली है, खेल मंत्रालय की संभाली है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, तब से ही कई सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। खेलो इंडिया का भी आगाज किया गया ताकि गांव-गांव से, खेड़े-खेड़े से जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाया जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके, एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही ट्रेनिंग उनको दी जा सके। और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप तमाम इवेंट्स की बात कीजिए जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान के गांव-गांव से खिलाड़ियों को निकालने के लिए, उन प्रतिभाओं को खोजने के लिए कई तरह के आयोजन राज्य स्तर पर भी किए जा रहे हैं। और जयपुर महाखेल 2019 का भी आयोजन इसी के तहत किया गया, जिसके समापन समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर रहे हैं और एक खिलाड़ी होने के नाते वो बखूबी जानते हैं कि खेल और खिलाड़ियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, खिलाड़ी क्या सोचता है, उसकी क्या जरूरतें होती हैं, उसे कैसे पूरा किया जाए। और उसको लेकर उन्होंने तमाम तरह की नीतियां बनाई, प्लान्स तैयार किए गए जिसको आगे लाया जा रहा है। तो कई तरह के इवेंट्स यहां पर थे जिसमें रशाकसी भी था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो लोग पुरस्कृत हुए हैं, विजयी हुए हैं, जीते हैं, उनको स्मार्टफोन दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस इवेंट की, बेहद खास था ये इवेंट, जयपुर की ये प्रतियोगिता जहां पर 3000 मीटर दौड़ में जो लोग फर्स्ट आए हैं उनको बाइक, और महिलाओं की जो दौड़ थी 1500 और 1000 मीटर की उसमें जो विजेता है उनको स्कूटी मिली है। और इसके साथ ही रस्साकशी में प्रथम आने वाली टीम को स्मार्टफोन दिया जा रहा है।